हे गाइस, वेलकम टू सेजल की दुनिया। और आज मेरे मम्मी पापा को एनिवर्सरी है, तो मैं सोची कि आज चलिए आज वीडियो बनाती हूँ, आपके साथ डे शेयर करती हूँ कि मैं कैसे सेलिब्रेट की, मैं कहाँ गई, और बहुत सारी मस्ती मैं जो भी करने वाली हूँ वो सब भी शेयर करूँगी। और भगवान जी का करिश्मा देखिए कि मेरे पापा मम्मी का एनिवर्सरी तो है ही आज, साथ ही साथ मेरे दादा दादाजी का एनिवर्सरी भी है, तो डबल सेलिब्रेशन है आज। और बहुत मस्ती करने वाली हूँ आज उन लोग के लिए स्पेशली। मैं आपको पता ही है कि मैं हर डे कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, मतलब कि स्पेशल डे डे जो होता है, बर्थडे हुआ है, एनिवर्सरी हुआ, तो बर्थडे उस पर भी मैं केक बनाती हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या आपका क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आज बताया मैं केक बनाने वाली हूँ एनिवर्सरी पे, मम्मी पापा क्या दादी दादाजी के एनिवर्सरी पे, दादी तो नहीं है तो मिस्ड हर, हाँ ऑलवेज। बस बताया दादाजी हैं और मम्मी पापा, और बस अब चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब केक की रेसिपी आपको बताती हूँ और देखती हूँ कैसा बनता है केक, और आई होप कि सबको अच्छा लगेगा। बस लेट्स गो। मिलिए आप मेरे किचन से, सीधा यहाँ से स्टार्ट है और दैट्स इट। और बस अभी स्टार्ट करती हूँ मैं और बताती हूँ आपको क्या क्या हो रहा है। आ चुके हैं अपने किचन में और आज मैं बिस्किट से केक बनाऊंगी, ठीक है। और मैं हमेशा ही बिस्किट से ही केक बनाती हूँ, पता नहीं मेरा बिस्किट से केक बहुत अच्छा बनता है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बिस्किट ही प्रेफर करती हूँ कि इसी से बनाओ ज़्यादा केक। और चलिए तो बनाती हूँ। देखिए मैं 5 पैकेट्स ली हूँ ये वाला चॉकलेट बिस्किट, ये तो क्रीम चॉकलेट बिस्किट है, आप टाइगर टाइगर वाला भी ले सकते हैं, हैप्पी हैप्पी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप बिस्किट, और एक पार्ले जी ली हूँ, तो आप कोई भी ले सकते हैं। 6 पैकेट्स मैं ली हूँ, आप 5 पैकेट्स भी ले सकते हैं। अब चलिए इसको मिक्सर में डालते हैं और ग्राइंड करते हैं। देखिए मैंने तोड़ दिया है बिस्किट को, अब ग्राइंड करूँगी। देखिए मैं रिफ कर चुकी हूँ इसको, देखिए इसका एकदम ना फाइन सा पाउडर बना है, ऐसे ही आपको बनाना है। हाँ अब इसके बाद इसमें दूध डालूँगी, इसमें 2 चम्मच चीनी भी ऐड करना है, मैं भूल गई थी चीनी ऐड करना। हाँ बिस्किट ज़्यादा मीठा हो तब भी, हाँ 2 चम्मच तो ऐड कर दीजिए, ठीक है। और उसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। अब उसके बाद मिल्क डालिए, डालती हूँ मैं। देखिए मैं 1 कप दूध ली थी इस कप से ऐसे, हाँ अब थोड़ा सा डाली हूँ मैं आधा, हाँ उसको मिक्स कर रही हूँ, फिर इसके बाद डालूँगी। देखिए मेरा बैटर कंप्लीट हो गया है, ऐसा बैटर होना चाहिए। देखिए अब मैं 1 कप से थोड़ा सा दूध ली थी, और ऐसा बैटर देखिए बनेगा आपका। तो अच्छे से मिक्स कीजिए, थोड़ा सा और दूध डालेंगे उसमें, थोड़ा सा। अब क्या करना है, अब थोड़ी देर छोड़ दीजिए आप इसको 2 मिनट के लिए, उसके बाद बताती हूँ मैं। इसके 2 मिनट के लिए इसको ढक के रखती हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं कुकर चढ़ाई हूँ और इस पर क्या करूँगी, नमक, आप सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नमक प्रेफर करती हूँ अपने, वही यूज़ करूँगी मैं। 30 मिनट्स हो गए, तो मैं गैस ऑफ करके देखती हूँ कि हुआ है कि नहीं। ये देखिए कुक तो बहुत अच्छा फूला है, बहुत अच्छा है। मैं देखती हूँ कि नाइफ़ या आपको भी स्टिक डार्क देख सकते हैं, नहीं अभी देखिए नहीं हुआ है, देखिए लिक्विड है, जब एकदम प्लेन अच्छे से निकलेगा तभी, तो अभी नहीं कुक हुआ है। अभी हम लोग को और 10 मिनट कुक करना है, 30 मिनट्स की हूँ तो मतलब 15 मिनट्स आपको कुक करना है, ठीक है 15 मिनट बाद। तो चलिए आफ्टर 15 मिनट्स हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या होता है। पूरे 45 मिनट्स हो गए हैं, तो देखते हैं ऑफ करके गैस क्या होता है। केक तो बहुत ही यम्मी है, बहुत फ्लफी दिख रहा है। नाइफ डाल के देखती हूँ कि कुक हुआ है कि नहीं, देखिए कुक हो गया है, तो 45 मिनट्स इसको लगे हैं पूरे कुक होने में। अब इसको ठंडा करती हूँ बाहर निकाल के, अभी मैं इसके अंदर ही रखती हूँ और थोड़ी देर, जैसे कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ज़्यादा नॉर्मल नहीं, थोड़ा
थोड़ा सा गर्म रहे और तब उसको कट करना है, तो अभी अंदर ही रहेगा 5 मिनट्स बाद, तो 5 मिनट्स ये बाहर निकले। नहीं, एकदम परफेक्टली बना है। और ये हटाती हूँ मैं, देख सो कूल है, देखिए कितना स्पॉन्जी बना। अब थोड़ा सा उसके बाद डेकोरेशन करना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मैं डेकोरेशन के लिए हर्शिप्स का सिरप ली, चॉकलेट सिरप। आप कोई भी, आप होममेड भी बना सकते हैं, मैं ये प्रीफर करती हूँ, तो ये चॉकलेट सिरप डालूँगी अब मैं डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर। देखिए, आप लोग डेकोरेशन के लिए कुछ ले सकते हैं। मैं चेरीज ली हूँ रेड कलर की, और देखिए चॉकलेट से अच्छे से लग गया है। अब चेरीज लगाऊंगी डेकोरेशन में। चलो डेकोरेशन हो जाएगा तब मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फाइनल टच केक का, बताइए आपको कैसा लगा ये केक का डेकोरेशन। ये देख काट के दिखाती हूँ, देखिए कितना स्पॉन्जी है। केक बनाने के बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था घर में। मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी ठंडी की वजह से, और इसलिए हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा पाए, घर में ही कुछ जो भी थोड़ा बहुत किए। और फिर केक काटे, वो अभी केक कट हुआ है। फिर उसके बाद आप देख ही चुके होंगे पहले केक कट हुआ है। केक कटिंग वाला दिखाई नहीं हूँ मैं, इसलिए कि तबीयत ठीक नहीं है सबका, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए सेलिब्रेशन तो नहीं दिखा पाई, और ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट भी नहीं की। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब सेलिब्रेट करूँगी या कहीं जाऊँगी तब दिखाऊँगी आपको। देखिए मेरे हाथ में क्या है, केक है जो मैं बनाई हूँ। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, तो आपको आज का डे अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कर बताया कीजिए आप लोग कि आपको कैसा लगा, तो कमेंट्स प्लीज़ कीजिएगा आप लोग। और जितना हो सकता है उतना हम लोग बताए वीडियोज़ बनाएंगे आप लोग के लिए, और बस ऐसे ही प्यार हम लोग को दीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन। और ये केक बताए मॉम डैड और दादी दादाजी के डेडिकेटेड की थी मैं। तो बस चलिए, मिलती हूँ मैं, बाय, लव यू गाइस, बाय।